धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा गुंडे बदमाशों पर लगातार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाने पर थाना प्रभारी पीथमपुर समीर पाटीदार ने कुख्यात बदमाश सोहेल पिता मोइनुद्दीन पर रासुका की कार्यवाही की है। कुख्यात बदमाश सोहेल अपराधी प्रवृत्ति का होकर ये लड़ाई झगड़ा मारपीट जान से मारने की धोस अवैध वसूली अवैध शस्त्र अवैध जहरीली शराब महिलाओं से छेड़छाड़ व चोरी जैसे अपराधों में लिप्त होकर इसके ऊपर थाना पीथमपुर पर 10 अवैध अपराध पंजीबद्ध है। ये वर्ष 2016 से लगातार अपराध घटित करता आ रहा है। पीथमपुर मध्य प्रदेश भारत वर्ष का एक औद्योगिक क्षेत्र होकर यह उद्योग जगत में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ पर विदेशों से भी उद्योग लगाने के लिए प्रवासी भारतीय उद्योगपति आते रहते हैं। उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता होने व लोक शांति बनाए रखने के लिए इसकी आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पीथमपुर समीर पाटीदार द्वारा कुख्यात बदमाश सोहेल पिता मोइनुद्दीन पर रासुका की कार्यवाही की गई है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। की कार्रवाई की गई है और किस प्रकार की ये कार्रवाई है? जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा गुंडों और माफियाओं के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसमें मंडलावदा थाना पीथमपुर का कुख्यात गुंडा सोहेल पिता मोइनुद्दीन, जो अड़ीबाजी जहरीली शराब अवैध शस्त्र चोरी और रंगदारी में के लिए कुख्यात था और जिसके 10 जीवित अपराध पंजीबद्ध हैं और 5 बार इसे 110 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसलिए इसके विरुद्ध राष्ट्रपति की कार्रवाई की। सर, इस प्रकार की कार्रवाई और भी आगे जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। ठीक, आपका नाम बताएं? तरुण सिंह बघेल, CSP। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।